हेलो गाइस, यहाँ मैं स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश की स्टेनोग्राफी की क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो पिछली कक्षा में कराया गया अल्टरनेटिव फॉर्म्स और अंत में LR और RR, उसके बारे में सभी ने जानकारी ले ली होगी पूरी। और जो सेल्फ वर्क का दिया था हमने एक्सरसाइज के लिए, वो भी सभी ने किया होगा। तो अब हम यहाँ पे अगला जो हमारा है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ वाई एंड डब्ल्यू। हम अल्टरनेटिव फॉर्म्स यूज़ करेंगे वाई और डब्ल्यू के लिए, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं वाई से। वाई की आवाज़ में जब भी हमारी यू की आवाज़ आएगी, ओ हिंदी में बोलें यू, या फिर जिसके लिए हमने स्टेनोग्राफी में छोटा सा इस तरह का निशान बनाना है, ठीक है, इस तरह का आप निशान बनाएंगे छोटा सा स्टेनोग्राफी के लिए। हम कुछ शब्द बोल रहे हैं, आप नोट करिएगा। ब्यू, फ्यू, डियो, नियो, ज्यू, ट्यूब, क्यू, प्यूरिटी, न्यूड, क्यूब, क्यूब हो गया। उसके बाद में इश्यू, वैल्यू, प्योर, प्योरली, प्यूरिफाई, हमारे ये शब्द हैं, इनको सभी ने लिख लिया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट करा दे रहा हूँ, ब्यू, फ्यू, ड्यू, न्यू, ज्यू, ट्यूब, क्यू, प्योरिटी, न्यूड, क्यूब, इश्यू, वैल्यू, क्यूर, प्योरली, प्यूरिफाई, ये हमारे शब्द हो गए, सभी ने नोट किया होगा। हम इसमें बनाते हैं अब आपको, मैं आपको बताना चाहूँगा वाई की आवाज़ जो हम यू की बता रहे थे आपको, जिसमें भी अंत में आवाज़ आएगी, जैसे ब्यू, सभी देख रहे हैं यू की आवाज अंत में आ रही है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड प्लेस का काउंट करते हैं, थर्ड प्लेस पे जब भी आएगी तब इस तरह से बना देंगे व्यू, ठीक है। वैसे बनाएंगे तो इस तरह से, लेकिन हम क्या स्टेनो को पेंसिल कम से कम उठाने की वजह से उसी के साथ में जोड़ के बना देते हैं, व्यू हो गया। उसी तरह से डीओ, ब्यूटी, ब्यू टी, यहाँ पे क्या हमारी अल्टरनेटिव फॉर्म्स यूज हो रही है, ब्यू थर्ड प्लेस का है, ब्यू ब्यूटी की में जो होता है, तो यहाँ पे अगर हम इसको लगाते हैं तब वही कंडीशन जो हमने थर्ड प्लेस के लिए बताई थी इंटरमीडिएट वॉवल, उसको फॉलो करेंगे। थर्ड प्लेस का अगर कोई भी स्ट्रोक आता है या डॉट आता है, डिप्थोंग आता है, डाइफोन आता है, ट्राइफोन आता है, तो उस पोजीशन में हम क्या करते हैं, थर्ड प्लेस का स्ट्रोक है अगर उसके बाद में कोई स्ट्रोक नहीं, थर्ड प्लेस का बॉबल है और उसके बाद में कोई स्ट्रोक आ रहा है, तब हम अगले स्ट्रोक के बिफोर वाली साइड में लगाते हैं, जैसे ब्यूटी, क्यूर, इश्यू, ISSUE, इश्यू, इसमें क्या आ रहा है, ई की आवाज़ पहले आ रही है और उसके बाद में भी आ रही है, इश्यू, तो हम दोनों तरफ लगाएंगे, ठीक है। ठीक है,
इसको यहाँ लगा सकते हैं। और अंत में हमारी किसके बाद आ रही है, जो हमने ड्यूस और बाला चैप्टर किया था, प्यूरीफाई डिप्थोंग। डिप्थोंग में आपका आपने आई का पढ़ा ही होगा। प्यूरली ये प्यूरली, तो इस तरह से सभी बाकी बचने हुए बचे हुए शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक कंडीशन मैं आपको और बता रहा हूँ, बट इनिशियली द साउंड यू, अगर ये आवाज़ हमारी पहले आ रही है, ठीक है, यहाँ पे था हमारी अंत में आवाज़ आ रही थी लास्ट में, जैसे फ्यू ब्यू ट्यू न्यू इस तरह के शब्दों के साथ में, यही आवाज़ हमारी अगर पहले आ रही है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जैसे यू वा, ठीक है, यूरेनियम, यू के लिए हम वाई का स्ट्रॉक, सॉरी जो वाई का स्ट्रॉक था, हम वो बनाएंगे पूरा यू रे नी य म, ठीक है, यूरेनियम हम ये बनाएंगे, यूरेनियम। आगे है हमारा यूथ, ठीक है, यूरिया, यू आर हो गया इया, यूरिया। शब्द नोट करिए इसके लिए, इनिशियली आर, बट इनिशियली द साउंड ऑफ यू इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय स्टॉप, ठीक है, वाई, जब भी इनिशियली साउंड आएगी यू की, ठीक है, उस कंडीशन में हम वाई का स्ट्रोक बनाएंगे, जैसे शब्द नोट करिएगा, युवा, यूरेनियम, यूरिया, यूरिनल, यूनिक, यूनिफाई, यूनिटी, यूथ, ये इस तरह से हमारे कुछ शब्द हो गए, सभी बनाएंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे। बताऊंगा ट्राइफोन, वेन एवर ए बबल ट्राईफोन, ट्राईफोन के लिए डेफिनेशन लिख लें, वेन एवर ए बबल फॉलोज ए डाइफोन साउंड ऑफ यू इट फॉर्म्स ए ट्रिफोनिक साउंड, ट्रिफोनिक साउंड, which can be represented easily by adding a tick, tick करें इस जगह पे tick to the semicircle of U, मतलब एक बार रिपीट कर रहा हूँ, whenever a bubble follows a diphonic sound of u it forms a triphonic sound
विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इजीली बाय एडिंग ए टिक ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ यू। जैसे हमारे डायफोन थे, उसी के साथ में अगर कोई और आवाज़ आती है तब हम उसमें सेमी सर्कल के साथ में एक टिक बना देंगे। जैसे हमारा रिव्यू, REVIEW, रिव्यू, ठीक है, उसी तरह से बोल रहा है रिव्यूइंग, यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि अल्टरनेटिव फॉर्म्स वाला जो हमारा रूल था वो फॉलो हो रहा है। थर्ड प्लेस का स्ट्रोक है, अगर उसके बाद में कोई स्ट्रोक और आ रहा था वो अगले वाले स्ट्रोक के बिफोर में जाके हम बनाते थे, ठीक है। च्यूइंग, इशूइंग, शब्द नोट कर लिए, फ्यूलिंग, फेल्यूअर, कैजुअलिटी, एनुअल, व्यूइंग, वेल्युअर, इशूइंग, फ्यूल, च्यूइंग, रिव्यूइंग, रिव्यू, ये हमारे शब्द हो गए बाई को लेके जो हमने बनाने थे। बाई हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे अब हम आते हैं डब्ल्यू की तरफ, सेमी सर्कल ऑफ किसके लिए यूज करेंगे, W के लिए। पीछे हमने Y के लिए भी सेमी सर्कल यूज किया था, यहां पर भी हम सेमी सर्कल यूज करेंगे W के लिए। जैसे सेमी सर्कल W, डेफिनेशन लिख लीजिए, इस सेमी सर्कल इज यूज्ड as an abbreviated W before किस किस के, K, J, M, R, ठीक है। अगर इनसे पहले क्या आ रहा है, W आ रहा है, तब क्या करेंगे, हम सेमी सर्कल यूज करेंगे। जैसे शब्द नोट कर ले, वर्दी, वर्थ ही, वर्थ, वर्क, वायर, वर, वियर, वरी, वार्म, वॉक, वीक। यहां हम शब्द शुरू कर रहे हैं, इनके पहले आ रहा था के, ए, एम, आर, इनके पहले जब भी डब्ल्यू आएगा तब हम उस पोजीशन में सेमी सर्कल यूज करेंगे। सेमी सर्कल हम किस तरह से यूज करेंगे, वायर, इस तरह से आई की आवाज आई, वायर, ठीक है। वीक, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमने वीक इस तरह से के पे बनाते थे, जो डब्ल्यू के लिए अगर डब्ल्यू पे कोई बॉबल आ रहा है, यहां बॉबल आ रहा है डब्ल्यू पर, जो डब्ल्यू के लिए बॉबल आएगा वो हम बिफोर वाली साइड में लगाएंगे, ठीक है। जैसे वीक, वेक या वॉक ले रहे, ये
यहाँ हम बिफोर वाले साउंड साइड में लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इधर की तरफ लगाएंगे तो वो किस पे का पे पढ़ने में आएगा। का पे नहीं पढ़ना है हमने, क्योंकि हमने पढ़ना है डब्लू के लिए, वॉक। आगे है वरी। आर के साथ में आर पे वोवल आए तब हम अपवर्ड लेके जाते थे, ये वरी, और के लिए हमने ये लगा दिया लाइट डैश। ठीक है, इस तरह से हमारे ये शब्द बन गए। जो कुछ रह गए हैं उनको आप बनाने का प्रयास कीजिए। हमारा जो YouTube चैनल पे नंबर दिया हुआ है, WhatsApp नंबर, उस पे आप 24x7 कभी भी हमें मैसेज करके अपने होमवर्क और आपने जो स्ट्रोक बनाए हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। स्टेनो फॉर ऑल पर जो आपका नंबर दिया हुआ है, आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पोजीशन है हमारी, द सेमी सर्कल कैन नॉट बी यूज्ड। कब हम यूज नहीं करेंगे? इफ ए बबल प्रोसीड्स डब्ल्यू इन द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड एज, शब्द नोट कर लें, अवार्ड अवेयर अवेक वेक वेयर अवार्ड वेक बनाते हैं, हमने पीछे बनाया वेक, ठीक है। अगर बोल रहे अवेक, हम पूरा बनाएंगे, क्योंकि कहाँ क्या कहा जा रहा है, बॉबल आ रहा है हमारा, वेयर अवेयर, ये डब्ल्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अपवर्ड ले जाएंगे, अवेयर। आगे थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे हमने किसके साथ में किया था, के एम आर के पहले अगर डब्ल्यू आ रहा है। आगे है, इस सेमी सर्कल इज अटैच्ड बिफोर एल, ठीक है, डब्ल्यू के पहले, सॉरी डब्ल्यू के बाद में अगर एल आ रहा है तब हम उसको सेमी सर्कल के साथ में भी जोड़ सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी, एल हमने ये बनाया था उसमें, तो उसी के साथ में हम इस तरह से जोड़ेंगे इसको, ठीक है। एल हमने ये बनाया था, उसी के साथ आपने ये जोड़ना है। जैसे हम यू बनाते थे, वाई बनाते थे, हमारा स्ट्रोक, वाई का जो स्ट्रोक होता था उसको हमने कर्व के साथ में लाना है बस, ठीक है, ये इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आराम से बन जाएगा। थोड़ा सा लगेगा कुछ दिन कि नहीं बन पा रहा, प्रैक्टिस करेगा सभी बन जाएगा। जैसे शब्द नोट डाउन करिएगा, वेलफेयर वेल्ड विलिंग वेल्थ वेल्दी विल वेल वेल विल बनाते हैं, चलिए, ठीक है। विल विल में क्या हमारा ये, और डब्ल्यू के लिए जो हम बॉबल लगाएंगे वो बिफोर वाले साइड में, विल वेल वेल। उसी तरह से वेलफेयर, वेल हो गया बिना पेन उठाए, फ और रा दोनों, वेलफेयर, ठीक है। विलियम
ये हम दोबारा बना रहे हैं, विल यम, ई अ के लिए हमारा ये हो गया विलियम, ठीक है, विलियम, विलिंग, इस तरह के जो हमारे शब्द बचे हैं वो अब बनेगा। आगे आते हैं हम सेमी सर्कल, फोर्थ पॉइंट नोट करिए, सेमी सर्कल कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द मिडल। ये क्या आ रहा था अभी, बिगनिंग में आ रहा था, इनिशियली आ रहा था, अब हमने मिडल में भी यूज करना है या लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे हिंदी वाले पोर्शन पे जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर लास्ट में हमारी वाह की आवाज आ रही है, वाह, प्रोनाउंसिएशन बेस देखना है, वी या डब्ल्यू, इन दोनों में से कोई भी, दोनों की आवाज जो हमेशा वाह के साथ में आती है, जैसे शिव, शब्द नोट कर लिए, ट्वीड, शिवुड, शिवानी, अश्वनी, अश्वनी बना लिए सभी ने, शिवालिक, ईश्वर, शिव। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा जो वाक्य आवाज आएगी हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे शिवानी, शी हो गया, या चलो शिव लाके बनाते हैं, शिव, उसी तरह से इसको नी, शिवानी, वह के लिए हमारा ये हो गया शिवानी, ठीक है। अगर बोल रहे अश्वनी, अश हो गया, ठीक है, यहाँ पे वह नी, तो एक ही बार में बना देंगे अश्वनी, ठीक है। आगे हमारा वुड वर्क, वुड हमने ये बनाया, अब वर्क के लिए हमने पीछे ये इस तरह से बनाया, या तो आप अलग अलग बना सकते हैं या फिर वुड वर्क, जिस जगह बबल की आवाज आ रही है उस जगह पे हम एक सेमी सर्कल बना देंगे, वुड वर्क, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इसका जो मैं सेल्फ वर्क का पोर्शन दूंगा उसको भी कंप्लीट करें सभी। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा सभी के लिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं ये स्किप कर दूं, इसके आगे का चैप्टर करूं, तो उससे शायद बहुत कुछ आप मिस कर देंगे।